आपने फरीदाबाद रहते हुए कई बार कहा कि फरीदाबाद ओल्ड की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, आपने कहा बड़कल की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, मैं साथ में और जोड़ता हूँ कि गुड़गांव की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, रेवाड़ी की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, दोनों पार्टीज ने आखिर ये पंजाबी समाज के साथ में ये भेदभाव क्यों किया? एक यात्रा चल रही है दीपेंद्र हुड्डा की आजकल, एक कुमारी सहजा ने यात्रा शुरू कर दी है, इन यात्राओं का कांग्रेस को लाभ होगा या कहीं जनता में ये संदेश अपनी जाएगा कि ये तो गुटों में बटे हुए हैं यार, इस वजह से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जो ये यात्राएं जो चल रही हैं, तो यात्राएं ये चलाते रहे ना भी चलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, और ये तेरा मेरा बंद करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये मेरा वोट है, ये उसका वोट है, ये बंद करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे अच्छा ये है कि आप पहले उम्मीदवार अच्छे रहे, बिल्कुल, उसके बाद आप यात्राएं भी करें। ठीक, अगर अच्छे लोग यात्रा में चलेंगे तो लोग अच्छा इफेक्ट जाएगा, एक अच्छा असर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने की धूम यानी कि गर्मी बहुत पहचानी जाती है। हालांकि गर्मी तो भादों की ज्यादा होती है, लेकिन सावन का धाम भी आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि उसने भादों को फील कर दिया हो। और इस सब के साथ में जहां ये मौसम की गर्मी है, वहीं पॉलिटिकल गर्मी यानी कि राजनीतिक गर्मी भी, इस समय राजनीतिक पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आप कहीं चले जाएं तो केवल राजनीतिक चर्चा है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच कुछ पॉलिटिकल बातों को लेकर के मैं पलवल में मौजूद हूँ। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 5 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं करण सिंह दलाल। दलाल साहब का स्वागत है देशोजन पर। जी थैंक यू संजय जी। दलाल साहब स्वास्थ्य कैसा है आजकल? स्वास्थ्य जब से मेरा ये ऑपरेशन हुआ है जी जी, तो अब बहुत ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। बस थोड़ी सी जो वक्त के साथ जो इसमें समय लगना होता है उसी का इंतजार है। इसने भी आपकी वर्किंग पे 1.5 महीने की ब्रेक तो लगा दी। हाँ, 1.5 महीना इस बीमारी की वजह से लोगों से दूर रहना पड़ा और समय चुनाव का चल चुका है, तो जाहिर है कि इससे लोगों से दूरी इन दिनों अच्छी नहीं होती। तो दरअसल क्या पलवल को लेकर के, पलवल ही आपका कार्य क्षेत्र है जी, तो पलवल को लेकर के आगे क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर के? 5 तारीख का आपका जो हुड्डा साहब पलवल आ रहे हैं उसको लेकर के क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? 5 तारीख को जो कांग्रेस जिला पलवल कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ रखा हुआ है जी जी जी, और उसी की तैयारी में हम और हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत दिनों के बाद जिला कार्यकर्ता सम्मेलन पलवल में हो रहा है, तो चुनाव को देखते हुए, लोगों के जोश को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन यह होगा। और जहां तक पलवल का सवाल है, मैं देख रहा हूं कि भाजपा के शासन से पलवल के लोगों को जो नुकसान पहुंचा है वो लोगों ने महसूस किया है, और बहुत बड़े स्तर पर भाजपा को छोड़ करके हमारे इलाके की कई बड़ी हस्तियां जी आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगी। तो आजकल आपने भी एक्टिविटीज बहुत बड़ा रखी है, रूठों को मनाने का, जो कहीं दूर हो गए थे उनको साथ जोड़ने का, ये अभियान भी आपको बड़ा तेजी से चल रहा है आजकल। हाँ संजय जी, क्योंकि आखिर इस इलाके से ही चुनाव लड़ना है, तो समय हुआ करता है जो भाई नाराज थे, जिनसे मतभेद थे, हमने भी अपने गलतियों को महसूस किया है जी, और लोगों से संपर्क में जो हम लगे हुए हैं, तो मुझे खुशी है कि जो भाई हमसे नाराज हो गए थे, अब बहुत बड़ी संख्या में 36 बिरादरी के बहुत बड़े बड़े जो हमारे इलाके में जिनकी बहुत बड़ी हैसियत है, वो सब जी और आम आदमी भी हमारे साथ जुड़ने लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि 5 साल निकल गए हाथ से, या जो पिछला 5 साल का दौर था? ये भी जो भाजपा से जो बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है वो ये है कि ये एक आगे बढ़ने वाला जिला हमने बनाया था। गुड़गांव नोएडा के बाद यहाँ बहुत स्कोप था, बिल्कुल, लेकिन भाजपा की सरकार ने पलवल के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जी जी, ना मेट्रो को ला सके, ना जाम से छुटकारा दिला सके, ना पानी की सहूलियत कर सकते हैं, ना सीवर का काम हुआ है, रेलवे लाइन के दोनों तरफ लोगों को आने जाने की बड़ी भारी दिक्कत रहती है, उसका कोई समाधान नहीं किया। पलवल से चलने वाली रेल
जो 32 रेंज चला करती थी वो आज भी 12 रेंज चलती है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा मायूस करके बैठे हुए। तो यहाँ रोजगार का ना मिलना, नौजवान बच्चों में बड़ी इस बात की नाराजगी है कि हरियाणा की डी ग्रुप नौकरियों में भी सबसे कम रिप्रेजेंटेशन जिला पलवल को मिला है। और नहरों में पानी नहीं आता है, किसान परेशान है। नहरों में आने वाला गंदा पानी आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी आफत बनता जा रहा है। जी। कहने को कहे कि जो बीजेपी ने वर्ष 2019 में जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, जी जी, पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, पलवल में हम यहाँ ये मेट्रो का लेकर के आएंगे, पलवल को आने वाले दिनों में हरियाणा का एक भविष्य का शहर बनाएंगे, वो किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पुलों का निर्माण बहुत देरी से हुआ और आज सीवर पानी सड़कों का जो काम है उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि लोगों को दिखाई देता है। थोड़ी सी बारिश में सारा शहर डूब जाता है, सफाई नहीं होती है। दरअसल तीन बातें आपने, बहुत सारी बातें की, इनमें से तीन मुख्य मैं लेता हूं। नंबर एक, आपने कहा मेट्रो, वो कह रहे हैं कि हमने मेट्रो की डीपीआर हो चुकी है, मेट्रो की घोषणा हो चुकी है। दूसरा आपने कहा कि पलवल में जाम, वो बोलते हैं हमने एलिवेटेड बनवा दिया। अगर करण सिंह दलाल के समय में जो आपके टाइम पर जो डीपी इसके रोड मैप था, वो कहने लगे हमने उससे बहुत बेटर कर दिया। तीसरा आपने कहा रोजगार, मुख्य मुद्दे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं कनेक्टिविटी और उसके बाद में रोजगार। रोजगार के मामले में सरकार कहती है कि बिना पर्ची खर्ची की, बिना क्षेत्रवाद भेदभाव किसी के बिना की सरकार है, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं सर? जहां तक रोजगार की बात है तो वो हमारा जो आरोप है वो तथ्यों के आधार पर हम कहते हैं कि जो बीजेपी पर्ची खर्ची की बात करती है जी, तो इतनी कम नौकरियां ग्रुप डी में हमारे इलाके को क्यों दी गई, जबकि वो तो सोशल और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर नौकरियां थी, कोई इंटरव्यू भी नहीं थे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा आर्थिक हालात हमारे जिलों के खराब है, जबकि इन्होंने ग्रुप बी की नौकरियां उन जिलों में दी है जिनके हमसे आर्थिक हालात अच्छे हैं, सामाजिक आधार भी हमसे अच्छा है। जी जी। तो ये भेदभाव हमारे साथ हुआ है। इसी तरीके से जो एलिवेटेड हाईवे की बात करते हैं, जो इसका 6 लेन हाईवे दिल्ली से आगरा बनना था, तो ये टोल रोड है जी, और पब्लिक ने ये पैसा देना है। तो इसमें इस तरीके से टोल रोड में इन्होंने पलवल के पुल को 6 लेन का ना बना करके जो 4 लेन का बनाया, तो हमारे शहर के लिए तो आज भी जाम की स्थिति वैसी ही है, हम टोल भी देते हैं और जाम में भी फंसे रहते हैं। और इसी तरीके से मेट्रो का ना इन्होंने अंतिम समय में दिखावा किया, अभी वहां कोई गतिविधि नहीं है, वो इनका एक झूठा खोखला वादा है। तो मेट्रो भी हम लेकर के आएंगे, जो ये जाम नगर पलवल को बना रखा है, जाम से निजात दिलाने का भी कदम हम उठाएंगे। और नौकरियों में जो भेदभाव हमारे साथ हुआ है उसका भी भरपाई हमारी सरकार आने के बाद ही की जाएगी। करण सिंह दलाल जाने जाते हैं संघर्ष के लिए, अपनी बात आवाज उठाने के लिए बुलंदी से। ये सारी बातें सब कुछ होता रहा पलवल में 5 साल, तो आखिर करण सिंह दलाल ने लोगों का साथ क्यों नहीं दिया? क्या लोगों को अनाथ छोड़ दिया आपने भी? अगर पलवल में इतनी सारी स्थितियां थी इस टाइप की जिनका आप आज कह रहे हैं। नहीं, अगर आप याद करें संजय जी, तो टोल का धरना हमने दिया था, कई महीने चला। जी हाँ, बिल्कुल। एक जाम के बारे में हमने कई दफा मुद्दे उठाए, एलिवेटेड हाईवे जो छोटा बनाया है इसके भी हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए। एक टोल वाला इशू हाईकोर्ट में था, उसमें क्या चल रहा सब? हाईकोर्ट में वो अभी भी पेंडिंग है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो एलिवेटेड में उससे कंसर्न था। जी जी, वो मेरा बेटा ही उसमें वकील है और अब जल्दी ही उसकी सुनवाई आने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन जो आपने कहा कि हमने हमेशा अपने इलाके की आवाज उठाई है, प्रदर्शन किए हैं, और असली जो आवाज है वो विधानसभा के अंदर उठती है, क्योंकि यहाँ सत्ता के विधायक हैं तीनों,
तो सत्ता के नशे में चूर होकर के जानबूझ करके राजनीतिक लोगों ने, बीजेपी से जुड़े हुए विधायक और लोगों ने हमारी बात को नजरअंदाज किया और उसका खामियाजा इस चुनाव में आप देखना ये बीजेपी के लोग भुगतेंगे। लोगों की समझ में आ चुका है कि इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है, पलवल और इस जिले के लोगों के साथ अन्याय किया है और न्याय नहीं किया जी। चलिए तो पलवल की बातें करना चाहूँ, फरीदाबाद लोकसभा से आपकी चुनाव की तैयारी थी, समय गया है उस पर चर्चा करना, वैसे मैं समझता नहीं बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद बहुत हुई होगी उन दिनों में, फरीदाबाद के अंदर जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरा सवाल केवल फरीदाबाद को नहीं, मेरा सवाल दक्षिण हरियाणा पूरे को लेकर, क्योंकि करण सिंह दलाल दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा चेहरा है। दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और हम दलाल साहब कितना ही कहें कि हम जाति की बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, वर्ग की बात नहीं करते, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स तय करती हैं तो सबसे बड़े इश्यूज यही बनते हैं। आपने फरीदाबाद रहते हुए कई बार कहा कि फरीदाबाद ओल्ड की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, आपने कहा बड़कल की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, मैं साथ में और जोड़ता हूँ कि गुड़गांव की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, रेवाड़ी की सीट पर पंजाबी समाज का हक है, दोनों पार्टीज ने आखिर ये पंजाबी समाज के साथ में ये भेदभाव क्यों किया? देखिए भाजपा की राजनीति क्या है वो तो संजय जी भाजपा के नेता ही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में पंजाबी भाइयों को जो नजरअंदाज फरीदाबाद जिले के अंदर किया है, गांव में किया है, उसकी तकलीफ न केवल पंजाबी समाज को है जी, बल्कि उसका एहसास और उसका नुकसान हमें भी होता है। फरीदाबाद में बड़कल जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पंजाबी भाई रहते हैं, फरीदाबाद में इतनी बड़ी संख्या में पंजाबी भाई रहते हैं, उनको टिकट ना देने से पूरा समाज ना केवल बड़कल और फरीदाबाद में बल्कि 9 के 9 हलकों में इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है जी, और ये कोई अच्छा कदम नहीं है। तो हमने पार्टी में, अगर मैं लोकसभा लड़ता तो मेरा तो ऐलान था कि बड़कल और फरीदाबाद पंजाबी सीटें और हम उन्हें लड़ाएंगे। अभी भी इस विधानसभा में मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कहता हूँ और मांग करता हूँ कि पंजाबी बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है, उनका प्रतिनिधित्व बनता है जी, तो बड़कल और फरीदाबाद से पंजाबी भाइयों को टिकट देना चाहिए, गुड़गांव से भी पंजाबी भाइयों को टिकट, यानी कि हमारे देश रोजाना के माध्यम से मैं समझता हूँ पहली बार हमने आपसे बात की है जी कि पंजाबी समाज को उनका हक इन स्थानों पर कम से कम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और अगर ऐसा पार्टी ने नहीं किया तो इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ेगा जी। चलिए दरअसल हरियाणा के अंदर इस समय जो अगर हम देखें जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस अब की बार संघर्ष रहते हैं आप लोग कि किसी प्रकार से उनको भारतीय जनता पार्टी को चुनावी शिकस्त दें या कांग्रेस का रास्ता क्लियर हो। आपको क्या लगता है, एक यात्रा चल रही है दीपेंद्र हुड्डा की आजकल, एक कुमारी सैलजा ने यात्रा शुरू कर दी है, इन यात्राओं का कांग्रेस को लाभ होगा या कहीं जनता में ये संदेश अब भी जाएगा कि ये तो गुटों में बटे हुए हैं यार, इस वजह से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसमें संजय जी अपने अपने मत और अपनी अपनी राय है, वैसे जो लोकसभा का चुनाव है हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है, लोकसभा का चुनाव पार्टी से ज्यादा लोगों ने लड़ा जी, जो लोग बीजेपी के शासन से दुखी थे, ये तो ऐसा लगता पूरे देश में था बीजेपी वर्सेस जनता हो गया था, जनता वर्सेस बीजेपी जी, तो विधानसभा में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं 5 दफा MLA रहा हूँ, जब टिकटें बढ़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी अपलाभी होती है और बीजेपी में भी, बिल्कुल उनका कैडर है, उनका ये है वो है, और उसकी वजह से हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर असर पड़ता है, इस लोकसभा में भी असर आपने देखा जी जी। तो इस सारे उसमें जो ये यात्राएं जो चल रही है, तो यात्राएं ये चलाते रहे ना भी चलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ हर बिरादरी को प्रतिनिधित्व दे करके जो अच्छे लोगों को आगे करने की जी जी कवायद पर अगर जोर लगाएं, और ये तेरा मेरा बंद करना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि ये मेरा गुट है ये उसका गुट है, ये बंद करना चाहिए बिल्कुल। जो हरियाणा में अच्छे लोग हैं जिनकी सोच अच्छी है, जो समाज के लिए नासूर नहीं है, समाज के लिए जिनके मन में
काम करने का इरादा है, तो हमारी पार्टी को भी और दूसरी पार्टी को भी अच्छे लोगों को आगे करने, प्रदेश के माहौल को सुधारने का तरीका सबसे अच्छा यह है कि आप पहले उम्मीदवार अच्छे रहें, बिल्कुल, उसके बाद आप यात्राएं भी करें। ठीक, बिल्कुल। अगर अच्छे लोग यात्रा में चलेंगे तो लोग अच्छा असर जाएगा। और अगर ये जो बलात्कारी लोग हैं, जेब कतरे हैं, जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त में बेईमानी करते हैं, उन लोगों को अगर आप आगे करके लेकर के चलोगे तो चुनाव में भी हानि होगी, पार्टी की बनना पार्टी को नुकसान होगा जी। तो यात्राएं करते रहें, लेकिन यात्रा के साथ इन यात्राओं में बदनाम लोगों को दूर रखें, अच्छे लोगों को आगे करें। जी जी। दरअसल अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस और बीजेपी की मैंने आपसे बात अभी की, एक गठबंधन हुआ पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, कौन सी पार्टी के लिए? या इसका पहला तो सवाल ये कि इन दो, इस गठबंधन का यानी कि इनेलो बीजेपी का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर रहेगा, और दूसरा क्या ये कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, किसके लिए कोई फायदा नुकसान क्या हो सकता है? संजय जी, आप हरियाणा की राजनीति के एक बहुत अच्छे पत्रकार के नाते, मीडिया के नाते अच्छे एक जानकार आपकी एक हैसियत हरियाणा में बनी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। हरियाणा की राजनीति अपने आप में एक बहुत ही देश के लोगों को सीखने वाली राजनीति है जी। हरियाणा इज ए ट्रेंड सेटिंग स्टेट जी, जी। हरियाणा रास्ता तय करता है। अब पिछली दफा का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो दुष्यंत चौटाला जी की 10 सीटें आई, वो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी का दबदबा नहीं था, वो गलती कांग्रेस पार्टी की थी जी। वो गलती कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी की थी, तो उनकी 10 सीटें आई। अब फिर वही नजारा, मतलब स्पेस मिल गया, उसको फिल कर लिया उन्होंने, फिल कर लिया जी। अब फिर आप देखना जी, कांग्रेस ने अगर टिकट आवंटन में गलती की और बीजेपी ने टिकट आवंटन में गलती की, तो 10 से ज्यादा सीटें इस गठबंधन की फिर आएगी, तो ये इनकी योग्यता से सीटें नहीं आती जी। जी जी। चौटाला जी और दुष्यंत जी का कोई हरियाणा में लोकप्रियता नहीं है जी, ना उनकी सदस्यता है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और बीजेपी का ये पार्टी का अनुशासन के नाम पर जो चाबुक चलता है पार्टियों में एक तरह से, हाँ, जो अच्छे लोगों को आगे नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये 10-12 सीटें जीत जाते हैं जी, जी, जी। और वो नजारा दोहराया जाएगा अगर कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट सही तरीके से नहीं बांटी। तो हम तो सलाह ही दे सकते हैं कांग्रेस को भी कि लोगों के ऊपर मेहरबानी करें और अच्छे लोगों को टिकट दें जी, जी। और उन लोगों को टिकट दें जो जिनका चरित्र अच्छा है, जिनके जिनका पब्लिक में इमेज अच्छा है, जो पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, उनको अगर टिकट देंगे तो इस गठबंधन की कोई सीट नहीं आएगी जी। और अगर इन्होंने टिकट गलत बांटे, कहीं गड़बड़ कर गए, तो हाँ, तो फिर देखना 10 से ज्यादा सीटें फिर जीत जाएंगी जी। जी जी। तो करण सिंह दराज साहब, कोई पलवल के लिए कोई अंतिम सवाल में कोई संदेश आपका लोगों के लिए या जो आपका कार्यक्रम है उसके लिए? पलवल के लोगों से मेरी यही अपील है कि पलवल ने दो दफा मुझे चुनाव विधानसभा में हराया है, दोनों दफा लोगों को चुने हुए नुमाइंदों ने मायूस किया जी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो मैं तो यही अपील करता हूँ पलवल के लोगों से कि ये मौका है कि हम इस पलवल को का पुनर्निर्माण करने के लिए इकट्ठे हों, कांग्रेस को जिताएं और हम पलवल को मिनी गुड़गांवा और नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। ये हमारी लोगों से अपील है। तो ये थे करण सिंह दलाल, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ, हमारी बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं, हमारी हर बात का जवाब दिया, ये भी बताया कि अगर कहीं कांग्रेस ने गड़बड़ की तो फिर स्पेस मिल जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा में। दलाल साहब ने ये भी कहा कि हरियाणा के अंदर इस समय कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता बना रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पार्टी के जो नेता हैं वो यात्राएं या जो भी कार्यक्रम करते हैं, बेहतरी ये है कि अच्छे से अच्छे लोगों को साथ में जोड़ करके चलें। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में हम निरंतर आपसे मिलते रहेंगे नई शख्सियतों के साथ में। अभी करण सिंह दलाल से बात की, अगले इंटरव्यू में आपके साथ किसी और के साथ चर्चा करेंगे, किसी और बड़ी हस्ती के साथ, किसी शख्सियत के साथ। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।